हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुछ अलग सा आपके लिए लेकर आई हूँ। ये जेंट स्वेटर का बाजू है। और बाजू कैसे बनाया जाता है, जो भी आप बाजू बनाते हैं उसको आप सफाई से कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब बाजू बनता है तो उसमें हम फंदे उठाते हैं साइड से, और आपने देखा होगा फंदे उठाते हुए ये अनइवन हो जाता है, या तो क्या होता है आपका डिजाइन छूट जाता है, या फिर आपके जो जहां पे आप फंदे उठाते हैं उसमें छेद छेद आ जाते हैं। ये देखिए मैंने पूरा इसको बना रखा है, यहाँ पे कहीं भी आपको इसको छेद जैसा नहीं दिख रहा होगा जहां पे मैंने फंदे उठाए हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी बुनाई में सफाई आएगी और धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होता जाएगा जो आप बना रहे हैं। तो जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल आती है, जो ऑलरेडी एडवांस नीटर है उनको पता होगा। दूसरी चीज, जब आप फंदे उठाते हैं कितने कितने गैप में आपको फंदे उठाने हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए जब आप बाजू बनाते हैं, बाजू बनाना अगर आपको आता है तो सही है, नहीं आता है तो आप जेंट स्वेटर का अगर बना रहे हैं तो यहाँ पे आप 50 से ऊपर फंदे डाल लीजिए, 52, 54 या 55 फंदे आप डाल सकते हैं मैक्सिमम। और भी ज़्यादा हेल्दी के लिए बना रहे हैं तो आप 58 फंदे डालिए, और उसके बाद जैसा आपका बॉर्डर होगा वैसी स्वेटर का बॉर्डर वैसी आप बनाएंगे, 2 इंच या 2.5 इंच का बॉर्डर बना लीजिए जितना आपको चाहिए। और उसके बाद बॉर्डर बनाने के बाद आप एक ही लाइन में 5 या 6 फंदे आप उठा सकते हैं अपने डिजाइन के हिसाब से, जो आप आगे डिजाइन बनाने वाले हैं उसके हिसाब से आप फंदे उठाएंगे। उसके बाद आपका जो डिजाइन उसको शुरू करेंगे तो आपको ये देखना है कि आपका डिजाइन उल्टी साइड से शुरू होता है या सीधी साइड से शुरू होता है। अगर आपका डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है तो आप उल्टी साइड में फंदे उठाएंगे आगे, जो आगे आप 2-2 फंदे उठाते हैं साइड में, एक इस साइड आगे बढ़ाने के लिए बाजू को, वो आप उल्टी साइड से उठाइए। अगर आपका डिजाइन उल्टी साइड से शुरू होता है तो आप सीधी साइड में फंदे उठाइए। तो मैं बताती हूँ आपको, ये डिजाइन जो मैं डाल रही हूँ वो सीधी साइड से शुरू होता है तो मैं उल्टी साइड में इसके फंदे उठा रही हूँ, और हर 5 लाइन के बाद, 5 लाइन कंप्लीट हो गई उसके बाद फंदा उठाऊंगी। पूरी 5 लाइन के बाद 6वीं लाइन में उठा रही हूं, और ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते जाएंगे इसको जैसे आपका होगा। तो देखिए उठाना कैसे है वो देख लीजिए, ताकि आपके जो गैप है वो ना आए, छेद जैसे जो बन जाते हैं वो नहीं आएंगे। देखिए साइड में एकदम सीधा बना हुआ है, कहीं भी इसमें कोई छेद नहीं आएगा। अब मैं उल्टी साइड से फंदा उठाने जा रही हूँ, ये रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड। तो देखिए एक फंदा उतारेंगे, बहुत आपको किनारे फंदा नहीं उठाना है और बहुत आगे भी नहीं उठाना है, तो 2 फंदों के बाद उठाएंगे तो आपका एकदम सही आएगा इसका। तो एक फंदा तो उतारा मैंने, एक फंदा बना लिया। अब देखिए आपको उठाना कैसे है फंदा, जो आपने फंदा अभी बुना है, ये वाला फंदा आपने बुना होगा अभी, उसके नीचे जो आपने पहले फंदा बुना होगा उसको आपने उठा के, ये देखिएगा, या तो आप इस साइड से ले लीजिए या आप इस साइड से ले लीजिए। तो ये वाला फंदा देखिए आप, ये वाला फंदा या तो यहां से ले सकते हैं या फिर यहां से ले सकते हैं। इस फंदे को उठा के देखिए ऐसे लीजिए और ऐसे उल्टा कर दीजिए, ताकि ये उधर से इसमें गैप ना आए। अब ऐसे क्या इसको उल्टा बना लेंगे ऐसे। अब उल्टा बनाया तो पूरी लाइन को आप जैसे आपकी बनी होगी आखिरी तक बनाएंगे, और 2 फंदों से पहले आप एक फंदा उठाएंगे, क्योंकि हम जब आप आगे आगे बनाते जाते हैं तो दोनों साइड में फंदे उठते हैं, उसी से जो फिटिंग है वो अच्छी आती बाजू की। तो हर 5 लाइन के बाद 6वीं लाइन में मैं फंदा उठा रही हूँ, आप भी इसी तरीके से उठाएंगे तो जो बाजू की शेप है वो बहुत ही अच्छी आएगी। इस तरीके से पूरी लाइन को बना लेंगे। ये देखिए ये मैंने लास्ट तक इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। ये जो लास्ट के 2 फंदे हैं इस लाइन के लास्ट में जो 2 फंदे, उससे पहले हम फंदा उठाएंगे। अब या तो आप इधर से उठा लीजिए इसके नीचे से, या इस फंदे के नीचे से उठा लीजिए। इस तरीके से देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो आपने अभी अभी फंदा बुना है उसके जस्ट नीचे वाला आपको उठा के ऐसे लाना है, और इसको इस तरीके से पलट के लेना है। उससे क्या होगा, वहां से वो
उधर साइड से उसमें छेद नहीं बनेगा। ऐसे इसको बना लेंगे, एक फंदा बढ़ गया, इन दोनों को भी बना लेंगे जैसे आपकी लाइन बनी हुई होगी। अब उल्टी साइड में अगर आप सीधा, जैसे सीधा फंदा बुनते हैं, कभी ऐसा होता है डिजाइन में सीधा फंदा भी आता है, तो आप सीधा बुनते हुए ही फंदा बढ़ाइए। अब देखिए आगे तक आप ऐसे ही बढ़ाते हुए जाएंगे, छह छह लाइन छोड़ के। इसके बाद अब मैं पांच लाइन बनाऊंगी, ये लाइन में तो फंदा बढ़ाया, इसके बाद पांच लाइन बनाऊंगी, एक सीधी एक उल्टी, फिर एक सीधी एक उल्टी, चार, फिर एक सीधी, पांच, और उसके बाद उल्टी लाइन में फंदा बढ़ाऊंगी। तो ऐसे ही आप जब आप शुरू में बढ़ाते हैं तो ऐसे ही बढ़ाएंगे, तो आपका अच्छा इसमें फिनिशिंग आएगी अच्छी। अब आगे इसको बनाते हुए जाएंगे, उसके बाद इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए बाजू की लंबाई मैंने पूरी कर ली है, फंदे मैंने दोनों साइड से बढ़ाए जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से बढ़ाए हैं, और यहाँ तक लंबाई जहाँ तक पूरी होती है आर्म होल तक की लंबाई, आप जिनके लिए बना रहे हैं उनके आप नाप के देख लीजिए, आर्म होल तक की जो लंबाई है वो आप पूरी कर लीजिए, आर्म होल तक नाप के देखिए, और जितने फंदे होते हैं वो आप यहाँ पे काउंट कर लेंगे वैसे ही, क्योंकि आपको दूसरा बाजू भी बनाना होगा। तो जिनके लिए बनाना है उन पे आप नाप के देख लीजिए, मैंने देखा है तो ये पूरी लंबाई हो चुकी है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ, सेंटीमीटर में भी दिखा दूंगी और इंच में भी, ये एग्जैक्टली कितना हुआ है। तो ये देखिए यहां से थ्री सेंटीमीटर है, यहां तक ये 53 सेंटीमीटर तक है, और इंचेस में देखेंगे तो ये 21 इंच है, 21 इंच इसकी आर्म होल तक की मैंने लंबाई पूरी कर ली है। आप अपने बाजू को नाप के देख लीजिए, उसके हिसाब से आप लंबाई पूरी कीजिए, और यहां तक जहां तक ये लंबाई पूरी हुई है मेरे जो फंदे हैं वो बढ़ा के 116 फंदे हो गए हैं यहाँ पे, और मेरे फ्रंट साइड के बाजू में 120 फंदे हैं। मैंने बताया था कि जितने फ्रंट के बाजू, फ्रंट बैक के जो बॉर्डर पे फंदे होते हैं उसके आसपास आपके फंदे आ जाने चाहिए यहाँ तक बढ़ाते बढ़ाते, तो वो आपका यहाँ पे फिटिंग अच्छी आ जाएगी। तो ये यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग शुरू करेंगे। तो मैं उल्टी साइड में हूँ मेरा, क्योंकि उल्टी साइड में ये पूरा हुआ है, तो उल्टी साइड में हो या सीधी साइड में आपको कटिंग शुरू करनी है, दोनों साइड से कटिंग करनी है जैसे हमने फ्रंट और बैक के पार्ट में की है, जस्ट हमें वैसे ही कटिंग करनी है। 5-3-2-1 की कटिंग हुई है तो वैसी करेंगे यहाँ पे भी। ये देखिए एक फंदा उतारा मैंने, एक बार बता दूंगी आगे आपको वैसे ही करना है, और ये इसके ऊपर से उतारा एक, फिर एक बनाया इसके ऊपर से उतारा दो, फिर तीन, एक और बनाएंगे चार, एक और बनाएंगे पांच। तो ऐसे ही आपको कटिंग करते हुए जाना है। कटिंग यहाँ पे पांच फंदों की होगी। अब ये पूरी लाइन को जैसे आपकी उल्टी लाइन बनी हुई होगी वैसे ही आप इस लाइन को बना लीजिए, जहां से आप कटिंग कर रहे हैं जिस लाइन में वो आगे वैसी बनेगी, फंदों जो आपने फंदे बंद किए हैं उसके अलावा बाकी के फंदे वैसे ही बनेंगे जैसे ऑलरेडी बने हुए होंगे। तो मैं ये पूरी लाइन एंड तक बनाऊंगी, फिर सीधी साइड में दूसरी साइड वाली कटिंग करूंगी। ये उल्टी लाइन मैंने पूरी बना के कंप्लीट कर ली। अब देखिए वैसे ही हम पांच फंदे सीधी साइड में भी कम करेंगे, पांच फंदे यहाँ पे भी घटाएंगे, एक उतारा एक बनाया और इसके ऊपर से उतार दिया एक, फिर एक बनाया इसके ऊपर से उतार दिया दो, फिर बनाया तीन, फिर चार और ये पांच। अब देखिए आगे पूरी लाइन वैसी बनेगी, ये यहां पे पांच घटाए थे उल्टी लाइन बनी, फिर सीधी साइड में पांच घटाए वे सीधी लाइन पूरी लास्ट तक बनाएंगे इसको। उसके बाद हमें पांच के बाद उधर से तीन करने हैं, फिर इधर से भी तीन, फिर दो, फिर दो। अब दो के बाद हम दो दो फंदे दोनों साइड से ही घटाते हुए जाएंगे जहां तक आपकी लंबाई पूरी होती है। अगर आपकी लंबाई पूरी हो जाती है तो आप दो फंदे घटाने के बाद पूरी लाइन को बंद कर दीजिए, और अगर आपकी लंबाई पूरी नहीं होती है तो दोनों साइड से दो दो फंदे घटा के हम ऊपर तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं पहले इधर से मैंने पांच घटा दिया, अब उधर से तीन, फिर इधर से तीन, फिर उधर से दो, इधर से भी दो घटा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जब भी आप यहाँ पे फंदे घटाते हुए एंड में आएंगे तो यहाँ पे आपने पहले से जो घटा रखा है उस
यहाँ पे एक फंदा होगा, लास्ट का फंदा इस लाइन में जैसे आपने बनाया, तो लास्ट का फंदा आप ऐसे ही उतार लीजिए। अब ऐसे उतारने के बाद जब आप यहाँ से घटाएंगे फिर से उल्टी लाइन में, अब हमें तीन फंदे घटाने हैं, तो सब जो ये वाला फंदा है इसको आप या तो ऐसे, ये उतारा हुआ फंदा है और एक और फंदा उतारेंगे, और इस फंदे को जो उतारा हुआ है इसके ऊपर से ऐसे घटा देंगे, ड्रॉप कर देंगे इसको। अब अगला फंदा घटाएंगे, इससे आपके जो एजेस हैं वो स्मूथ आते हैं। ऐसे दो घट गए और एक और घटाएंगे, तीन। अब जब भी आप इसके किनारे पे आएंगे यहाँ पे, तो ये फंदा आप उतार लीजिए, उसे यहाँ पे देखिए ये एकदम ऐसे आता है, प्लेन आएगा आपका। तो अब जो आपकी उल्टी लाइन जैसी बनी होगी इसको वैसी बना लेंगे, फिर सीधी लाइन में घटाएंगे। ये देखिए लाइन के एंड में आपने ये फंदा जरूर उतारना है, इसके आप इससे आपके एजेस अच्छे आएंगे, स्मूथ आएंगे। अब यहाँ पे भी तीन फंदे घटाएंगे इस लाइन में, ये आपने जो उतारा हुआ फंदा है पहले इसको ऐसे लेंगे, फिर एक और फंदा लेंगे यहां से और इसको उतार देंगे इसके ऊपर से। तो ये एक हो गया, फिर एक और बनाएंगे इसके ऊपर से उतारेंगे, दो, एक और उतारेंगे, तीन। अब इसके बाद क्या करना है, आपने जब ये तीन फंदे घट जाएंगे उसके बाद दो यहाँ पे घटाने हैं और दो यहाँ पे घटाने हैं। अब उसके बाद अगर आपकी लंबाई पूरी नहीं होती, आप नाप के देख लीजिए, नहीं होगी तो आप दोनों साइड से दो दो फंदे घटाते हुए जाइए जहां तक लंबाई पूरी होती है, दोनों साइड से। दो के बाद आपको एक फंदा नहीं घटाना है, दो के बाद दो दो ही घटाने हैं दोनों साइड से। ऊपर तक आप ऐसे ही दोनों साइड से करते हुए जाएंगे जहां तक आपकी लंबाई पूरी होती है, उसके बाद एक लाइन में जितने बचते हैं सारे फंदे एक लाइन में बंद हो जाएंगे, तो आपकी बाजू की जो कटिंग है वो पूरी हो जाएगी। तो मैं आपको ये दो दो करके दिखा देती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको आगे। और ध्यान रखिएगा, आपको जब भी आप कटिंग करते हैं तो आपको डिजाइन छोड़ना नहीं है, जैसा आपका बनता हुआ जा रहा है वैसे ही आपको डिजाइन बनाते हुए जाना है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग पूरी कर ली है और अब मेरे बाजू की जो लेंथ है वो भी पूरी हो गई है। अब हम ये जो फंदे हैं इनको बंद करेंगे एक साथ। यहाँ पे मेरे पास अब 70 फंदे बचे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था मेरे पास 118 टोटल फंदे थे जब मैंने आर्म होल की कटिंग शुरू की थी। उसके बाद 5-3-2 तक मैंने आर्म होल की कटिंग की, दो के बाद दो दो फंदे मैंने बंद किए हैं। अब इसमें जितनी भी मेरी बाजू की लंबाई थी वो पूरी हो गई है। अगर आपकी बाजू की लंबाई पूरी नहीं होती है तो आप इस तरीके से दो दो करके बंद करते जाइए, 40 और 45-50 फंदे तक आपके पास बचेंगे, उनको आप ऊपर बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर पूरी हो गई है, आप देखेंगे इसकी, इन फंदों को बंद करेंगे पहले। तो यहाँ से फंदे बंद करना, जैसे फंदे बंद करते हैं उसी तरीके से हम इनको बंद करना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे फंदों को हम बंद कर देंगे। तो ये किनारे का फंदा तो मैं वैसे ही बंद करूंगी जैसे मैंने आपको बताया था, बाकी एक ऐसे बनाया और इसको इसके ऊपर से उतार दिया, फिर एक बनाया और एक को इसके ऊपर से पिछले वाले को उतार दिया, फिर बनाया, सारे फंदों को हमें बंद करना है एक ही लाइन में, क्योंकि हमारी जो बाजू की लंबाई है वो पूरी हो गई है इस तरीके से। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पूरी टोटल जो इसकी लंबाई है वो कितनी हुई है कंधे तक, आर्म होल तक आपको नाप लेना है, उसके बाद ही आपको आर्म होल की कटिंग पूरी करनी है, उसके बाद आपको आगे बनाना है इस तरीके से। मैं सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ इस तरीके से, देखिए ये एक ऐसे बनाया और इसको जो पहले से बना हुआ है इसको ऊपर से उतार दिया, फिर एक बनाया और इसको ऊपर से उतार दिया। अगर आप उल्टी साइड में हैं तो आप उल्टे बुनते हुए बंद कीजिए, अगर आप सीधी साइड में हैं तो सीधे बुनते हुए बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको सीधी ही साइड में करना है या उल्टी में ही करना है, किसी भी साइड में आपकी लंबाई पूरी होती है आप बाजू को ऐसे बंद कर सकते हैं। तो एक बार मैं सारे फंदे बंद कर लेती हूँ, उसके बाद इसकी टोटल लंबाई मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए मैंने पूरी लाइन में इसको बंद कर दिया है। अब यहाँ पे जो आपका लास्ट जो फंदा बचेगा उसके अंदर से हम जो आपका धागे का गोला होगा उसको निकाल देंगे। इस तरीके से इसको टाइट कर लेंगे ताकि जब आप बाजू को सिलें तो ये खुले ना। अब ये जो धागा है उसको आप काट भी सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरी बाजू बन के तैयार हो गई है। अब देखिए मैं इसको पूरा खोल के आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ, टोटल लेंथ इसकी कितनी है। तो यहाँ से मैं जो इसका एंड पार्ट है वहाँ से मैं इसको नापूंगी जहाँ पर मैंने इसको ख़त्म किया है। ये देखिए इस तरीके से नापा मैंने इसको और बॉर्डर तक इसकी लंबाई टोटल 23 इंचेस है। 23 इंचेस इसकी टोटल लंबाई है। अब क्योंकि एक इंच तो एक इंच से ज़्यादा इसका जब आप सिलेंगे इसको उसमें चला जाएगा, इसलिए इसको इतना बनाना पड़ता है। ये परफेक्ट बाजू की लेंथ है और चौड़ाई तो आप अपने हिसाब से रखेंगे क्योंकि सबकी बाजू अलग अलग साइज की होती है। और ये देखिए बाजू की एकदम सही शेप आई है। ये देखिए जो जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं अगर आप उनको फॉलो करते हुए जाएंगे, अगर आप बिगनर्स भी हैं तभी भी आपकी बाजू बिल्कुल सही बनेगी। चाहे आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, किसी की भी बाजू बना रहे हैं, आपका इस तरीके से बनेगा। ये देखिए ये इसका पूरी पूरी जो बाजू है ये है, इस तरीके से ही बना हुआ है। देखिए यहाँ से ऐसे। तो फिर बनाइएगा, मेरे जितने भी मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करके आप ऐसे बाजू बना सकते हैं। और मैंने इस स्वेटर का पूरा पार्ट बना के अलग अलग पार्ट्स डाले हुए हैं, उनको मैं इकट्ठे भी एक ही वीडियो में डाल दूंगी तो आप आराम से बना पाएंगे पूरा स्वेटर अगर आप बिगनर्स भी हैं। आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो फिर बनाइए और वीडियो पसंद आया होगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।